क्षेत्र में चाकू की नोक पर लूटपाट की घटना की कहानी फरियादी ने ही रची थी। इसे सच्चा दिखाने के लिए उसने अपना मोबाइल फोन तक तोड़ दिया, लेकिन उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महज 12 घंटे के भीतर उक्त मामले की गुत्थी सुलझा ली। लूट के 5,74,000 रुपए बरामद कर लिए गए। राकेश वसंतराव झिल्पे 37 वर्ष गुजर खेड़ी ने गुरुवार 4 अगस्त की दोपहर में उसे बाइक सवार दो युवक द्वारा लूटने की शिकायत खापरखेड़ा थाने में की थी। स्थानीय पुलिस के साथ ही एलसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया था। राकेश सावनेर के गणेश ट्रेडर्स में मार्केटिंग का काम करता है। वह गुरुवार की सुबह दहेगांव में किराना व्यवसायी से मिलकर कोराड़ी और उसके बाद पांचरा मार्ग से गुमथी गुमथला गया था। व्यवसायियों से माल के पैसों की वसूली कर राकेश दोपहिया क्रमांक MH40BU6877 पर सावनेर के लिए रवाना हुआ। मन में पैसों का लालच आने से उसने लूट की झूठी कहानी रच दी। राकेश का बयान संतोषजनक नहीं लग रहा था, इसलिए एलसीबी की टीम उसकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। संदेह पुख्ता होने पर उसके साथ सख्ती बरती गई, जिसके बाद उसने हकीकत बयां कर दी। राकेश ने वसूली के पैसे अपने साथी प्रशांत राम राव वर्ठी जैसवाल लेआउट सावनेर के घर में छिपा कर रखे थे। ऑफिस बैग और व्यवसायियों से मिले चेक जलाने की बात राकेश ने कही है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल माकणिकर, एलसीबी पीआई ओम प्रकाश कोकाटे के मार्गदर्शन में हवलदार राजेंद्र रेवतकर, अरविंद भगत, नायक सिपाही आशीष मुंगले, वीरेंद्र नरड़, शैलेश यादव, किशोर वानखेड़े, उमेश फूलवेल, सुमित बागड़े ने इस कार्रवाई में भाग लिया। राकेश झिल्पे और प्रशांत वर्ठी को खापरखेड़ा पुलिस के हवाले किया गया है। राकेश के अनुसार उसने 3 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। ब्याज सहित यह राशि 3,85,000 हो गई है। इसके अलावा पारशिवनी के एक किराना व्यवसायी से वसूल किए गए 33,000 रुपए भी उसके पास थे। इन सबके निपटारे के लिए उसे लगभग 4.25 लाख रुपए की आवश्यकता थी, इसलिए उसने लूट की योजना बनाई और प्रशांत वर्ठी को इसमें शामिल कर लिया। लूट की योजना की तरकीब उसे क्राइम पेट्रोल की घटना को देखकर सूझी थी। लूटपाट की झूठी कहानी की 20 दिनों में यह दूसरी वारदात है। इससे पहले बाबा गोविंद ठाकरे 60 वर्ष तेलगांव तहसील कलमेश्वर ने 15 जुलाई की दोपहर 2:45 बजे उनसे 5 लाख रुपए लूटे जाने की शिकायत सावनेर थाने में की थी। इस घटना पर से भी एलसीबी ने जल्द पर्दा हटा दिया था। राकेश ने बताया था कि वह गुमथी गुमथला से दोपहर 2:30 बजे निकला था। उसके साथ लूट की वारदात 3:15 पर हुई थी, जबकि गुमथी गुमथला और घटनास्थल के बीच केवल 15 मिनट का फासला है। एलसीबी के पीआई ओम प्रकाश कोकाटे की शक की सुई इसी बात पर अटक गई और समय के खेल ने राकेश को पटकनी दे दी। 4 अगस्त 2022 रोजी साधारणतः 18 वाजेचे सुमारास राकेश झिल्पे व त्याचे मालक दिलीप जैन हे पोलीस स्टेशनला आले व त्यांनी अशी हकीकत कथन केली की राकेश झिल्पे जो आहे तो त्यांच्याकडे मागील 20 वर्षापासून कामास आहे। दिलीप जैन यांच्याकडे हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीची एजन्सी असून त्यांच्याकडे या ग्रामीण जिल्ह्याचे डिस्ट्रीब्युशन आहे। त्यांचं ऑफिस दापेवाडा सावनेर या ठिकाणी आहे। फिर्यादी राकेश झिल्पे याने काल अशी हकीकत सांगितली की तो 6,23,000 कॅश घेऊन येत असताना त्याला 2 अनोळखी इसमांनी मोटरसायकलने पाठलाग केला आणि चाकूचा धाक दाखवून त्याच्याकडून ती कॅश लुटून नेली। तसेच त्याचा मोबाईल फोडला व त्याच्या मोपेडची चावी जी आहे ती जंगलात फेकून नेली। सदर हकीकतीवरून काल खापरखेडा पोस्ट येथे 433/22 कलम 392, 341, 507, 34 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। गुन्ह्याच्या तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले की राकेश झिल्पे याच्यावर जगनाडे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे जवळपास 3,85,000 कर्ज असल्या कारणाने त्यांनी हा प्लॅन बनवलेला होता आणि त्यानेच त्याच्या मित्राजवळ ही रोख रक्कम पाटण सावंगे येथे काल दिली आणि असा प्लॅन करून तो देखावा त्याने निर्माण केला की मला लूटमार झालेली आहे आणि मोनाना केसमांचे त्यांनी त्याला क्राईम पेट्रोल पाहण्याची सवय असल्या कारणाने त्यावरून त्यांनी ते ही प्रेरणा घेतली आणि अशा प्रकारची स्टोरी बनवून गुन्हा दाखल केलेला। प्रशांत वर्टी याच्याकडून पुण्यातील संपूर्ण कॅश ही रिकव्हर झालेली आहे।
पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिकवर झालेली आहे आणि पुढे अधिक तपास चालू आहे। खापरखेड़ा से BCN न्यूज के लिए कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।